गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्कॉर्पियन जंतु का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। ओके, स्कॉर्पियन जो है उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, स्कॉर्पियन के अंदर जो पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन नॉन एज द बुक लंग्स। ओके, बुक लंग्स क्या होते हैं, ये फोर पेयर्स ऑफ क्यूटिकुलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो बुक लंग्स कहलाते हैं। फोर पेयर्स होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं ये जो मीजोजोमेटिक या प्री एब्डोमिनल जो सेगमेंट्स हैं, कौन कौन से, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ जो मीजोजोमेटिक या प्री एब्डोमिनल सेगमेंट्स है वहां पे सिचुएटेड रहते हैं। ओके, ऑर्गन्स इन सेगमेंट्स के वेंट्रोलेटरल साइड पर, प्रत्येक जो बुक लंग है वो इन चार सेगमेंट्स की वेंट्रोलेटरल साइड्स पर सिचुएटेड रहते हैं। ओके, अब यदि हम इसका ओरिजिन देखें कि बुक लंग्स जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, तो एम्ब्रियोस के अंदर बुक लंग्स जो है वो फ्रॉम द एक्टोडर्म सरफेस के द्वारा ओरिजिनेट होते हैं। और वैसे यदि हम देखा जाए तो बुक लंग्स का जो निर्माण है वो जो रूडिमेंट्री अपरनिडेस जो जंतु के हैं उसके बेसिस पर क्यूटिकल की इन्वेजिनेशन प्रोसेस के थ्रू इनका निर्माण होता है। ओके, या उद्विकास की दृष्टि से हम ये देखें तो ये विश्वास किया जाता है कि बुक लंग्स जो है वो कहाँ से इन्वॉल्व हुए हैं, ये बुक लंग्स इवॉल्व हुए हैं कहां से, फ्रॉम द बुक गिल्स। एंड बुक गिल्स कहां पाए जाते हैं, पाए जाते हैं ये होर्सशू जो क्रैब है लाइक लिमुलस। ओके, लिमुलस जो जंतु के बुक गिल्स से, उन्हीं से विश्वास किया जाता है स्टडी के दौरान कि बुक जो लंग्स है उनका निर्माण हुआ है। ओके, अब अभी हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं बुक लंग्स की। देखिए स्ट्रक्चरली देखें तो बुक लंग्स क्या है, बुक लंग्स जो है एक कंप्रेस्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर और कैविटी है। एंड दिस कैविटी ऑफ द बुक लंग्स इज लाइन बाय थिक क्यूटिकल। ओके, यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखें, हियर इज द स्ट्रक्चर, बुक लंग्स जो है वो दो पार्ट्स की बनी हुई संरचनाएं होती हैं। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स, एक इसका प्रोक्सिमल वेंट्रल पार्ट होता है, इज द प्रोक्सिमल वेंट्रल पार्ट जो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एट्रियल चैम्बर। ओके, ये प्रोक्सिमल वेंट्रल पार्ट एक एयर कैविटी होती है विच इज नोन एज द एट्रियल चैम्बर। और ये एट्रियल चैम्बर जो है वो एक स्लिट लाइक ओपनिंग, एक दरार नुमा एक ओपनिंग या छिद्र होता है जिसे कहते हैं क्या, स्टिग्मा या स्पाइरिकल, उसके द्वारा बॉडी के बाहर खुलती है। ओके, स्टिग्मा ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं जंतु का जो वेंट्रल सरफेस है, जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ सेगमेंट्स का जो वेंट्रल स्टर्नम है उसके वेंट्रोलेटरल साइड पर ओब्लिकली अरेंज रहते हैं। स्टिग्मा कहाँ खुल रहे हैं, एट्रियल चैम्बर के अंदर। ओके, और बुक लंग्स का जो डॉर्सल पार्ट है, ये डॉर्सल पार्ट यहाँ पे लगभग 140 टू 150 वर्टिकल फोल्ड्स पाए जाते हैं। ओके, ये वर्टिकल फोल्ड्स क्या कहलाते हैं, ये वर्टिकल फोल्ड्स लैमेली कहलाते हैं। ओके, ये लैमेली जो है वो वर्टिकल फोल्ड्स के रूप में एक दूसरे के पैरेलल स्थित होती हैं, जो एक लाइक अ बुक, बुक के जो पेजेस होते हैं उसके समान संरचना बनाती है। दैट्स व्हाई दिस रेस्पिरेटरी ऑर्गन नॉन एज द बुक लंग। ओके, चले आगे हम इसका और स्ट्रक्चर देखते हैं, हम इसका बुक लंग्स का, हियर इज द ओपनिंग दैट इज नॉन एज द स्टिग्मेटा और स्पाइरेकल, जो कहां खुल रही है, हियर इज द वेंट्रल पार्ट ऑफ द बुक लंग विच इज नॉन एज द एट्रियल चैम्बर। ओके, और डॉर्सल पार्ट किसका बना हुआ है, वर्टिकल फोल्ड्स का बना हुआ है विच आर नॉन एज द लैमेली।
प्रत्येक लैमेली है बुकलम की, प्रत्येक लैमेली जो है वो किसके बनी हुई होती है, प्रत्येक लैमेली के अंदर किनारों पर जुड़ी हुई क्यूटिकल की दो थिन लेयर्स जो है उनकी बनी हुई रहती है। यदि स्ट्रक्चरली देखें तो ये एक प्रकार की होलो स्ट्रक्चर है जो कि एजेस पर जुड़ी हुई क्यूटिकल की दो थिन लेयर्स का बना हुआ रहता है। ओके, अब हम चले इसके और स्ट्रक्चर की तरफ। तो देखिए एट्रियल चैम्बर जो है, एट्रियल चैम्बर की जो रूफ है, एट्रियल चैम्बर, यह इज द एट्रियल चैम्बर, और एट्रियल चैम्बर के रूफ की तरफ भी यहाँ पे क्या पाई जाती है, स्लिट लाइक ओपनिंग्स पाई जाती हैं। ठीक है, स्लिट लाइक ओपनिंग या अपर्चर्स पाए जाते हैं। ये अपर्चर्स कहाँ खुलते हैं, ये अपर्चर्स खुलते हैं दो एडजेसेंट जो लैमेली है उनके बीच के अंदर। ये क्या है, दिस इज नॉन एज द इंटर लैमिलर एयर स्पेसेस। ओके, ये इंटर लैमिलर एयर स्पेसेस जिनके अंदर की एयर भरी हुई होती है वहां पर ये स्लिट लाइक अपर्चर्स खुलते हैं। ओके, और इंटरनली देखें तो ये जो एडजेसेंट लैमिली के जो इंटरनल स्पेसेस है, ये इंटरनल स्पेसेस कहाँ पे किसके साथ कम्युनिकेट हो रहे हैं, ये जंतु की जो बॉडी कैविटी है उसके साथ कम्युनिकेट होते हैं, जिसकी वजह से इन जो इंटरनल स्पेसेस है इनके अंदर क्या भरा हुआ रहता है, इनके अंदर ब्लड भरा हुआ रहता है। ओके, ये समझ में आ गया, चले आगे। दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ द बुकलम। हियर इज द लैमेली, यहाँ पे लैमेली दिखाई दे रही है, और ये जो है दैट इज द एयर फ्लोइंग थ्रू स्टिग्मेटा। ओके, अब हम चलते हैं, ये तो था बात बुकलम्स के स्ट्रक्चर की। अब हम बात करें कि बुकलम्स के अंदर ब्लड की सप्लाई किस तरह से होती है। देखिए बुकलम्स जो है उसके अंदर वीनस ब्लड आता है। वीनस ब्लड कहाँ से आता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो वेंट्रल साइनस है, वेंट्रल साइनस एक डाइवर्टिकुलम के थ्रू प्रत्येक बुकलम्स के अंदर वीनस ब्लड को सप्लाई करता है। ठीक है, यहाँ से ये ब्लड जो है वो प्रत्येक लैमिली के कहाँ से प्रवेश करता है, एट द बेस ऑफ द ईच लैमिली, और लैमिली से के बाद में जब लैमिली से एरेटेड ब्लड हो जाता है तो ये ब्लड कहाँ रिटर्न होता है, ये एरेटेड ब्लड फ्रॉम द ईच लैमिली कहाँ पहुंचता है, पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन से ये एरेटेड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा दिया जाता है इनटू द पेरिकार्डियल साइनस। ओके, अब हम बात करें मैकेनिज्म की। तो देखिए मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, बुक लंग्स की जो वर्किंग है वो बुक लंग्स के अंदर वायु का प्रवेश करना और वायु का बाहर निकलना, इनफ्लो ऑफ द एयर और आउटफ्लो ऑफ द एयर थ्रू द स्पाइरकल किसके द्वारा कंट्रोल होता है, टू टाइप ऑफ मसल्स के द्वारा कंट्रोल होता है। कौन कौन सी मसल्स होती है, ये दो प्रकार की मसल्स होती है, एक डोर्सो वेंट्रल मसल और दूसरी एट्रियल मसल्स। ठीक है, इनके कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू ही जंतु के अंदर रेस्पिरेशन का जो क्रिया होती है। देखिए डोर्सो वेंट्रल मसल्स और एट्रियल मसल्स में जब कॉन्ट्रेक्शन उत्पन्न होता है तो इस कॉन्ट्रेक्शन के वजह से जो बुकलम्स की जो लैमिली है या बुकलम्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो इंटर लैमिलर जो हमारे एयर स्पेसिस थे वहां पे उपस्थित वायु है वो कहाँ आ जाती है, वो आ जाती है एट्रियल चैम्बर के अंदर। ओके, लैमिली से जो है वो एट्रियल चैम्बर के अंदर वायु आ जाती है, और एट्रियल चैम्बर के अंदर ये वायु अब कहाँ, स्टिग्मेटा के द्वारा जो है वो बॉडी के बाहर पास आउट कर दी जाती है। ओके, अब हम बात करें, ये तो था मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन की। जब ये दोनों मसल डोर्सो वेंट्रल और
एट्रियल मसल जब रिलैक्स हो जाती है, रिलैक्सेशन जब इनके अंदर होता है तो क्या होता है, बुक लंग्स वापस अपनी पुरानी पोजीशन के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से थ्रू द स्टिग्मा या थ्रू द स्टिग्मेटा वायु अब एंटर करती है कहाँ पे, एट्रियल चैम्बर में, और एट्रियल चैम्बर से अब ये एरेटेड वायु, ऑक्सीजनेट वायु जो है वो कहाँ पहुंच जाती है, ये पहुंच जाती है इंटरलैमिनर स्पेसेस। ओके, इंटरलैमिनर स्पेसेस वो स्पेस होता है, वो प्लेस होता है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। ओके, यहाँ पे जो लैमिनी की जो थिन वॉल है उसके थ्रू इंटरलैमिनर एयर स्पेसेस से ऑक्सीजन जो है वो वीनस ब्लड के अंदर सप्लाई की जाती है, जिसकी वजह से वो ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ डिफ्यूज कर दी जाती है, इन द एट्रियल चैम्बर। ओके, और ये कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द स्टिग्मेटा बॉडी से बाहर पास आउट हो जाती है, और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के साथ मिलकर उसको ऑक्सीजनेट कर देती है, जो पल्मोनरी वेन के माध्यम से पेरिकार्डियल साइनस तक पहुंचाया जाता है। तो ये आज हमने अपना कंप्लीट कर लिया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ स्कॉर्पियो।